अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले के लिए सरकार ने एक कार्ड जारी किया है जिसका नाम है ई श्रम कार्ड। आधार कार्ड के तरह ही इसमें 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले के लिए सरकार जो भी स्कीम लाती है या कोई भी सहायता प्रोवाइड करती है आपको इसी ई श्रम कार्ड के बेस पे मिलेगी। इस कार्ड के साथ बैंक अकाउंट नंबर भी लिंक होता है तो सरकार की तरफ से जो भी राशि मिलेगी आपके सीधे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 155 तरह के काम आते हैं जिसका पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी। 16 से 59 साल के बीच में जो भी पर्सन है जो टैक्स पीरियड नहीं है वो इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड आप फ्री में अपने मोबाइल फोन से लैपटॉप से बना सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब तो आप CSC सेंटर पर जाके आपको वहाँ पे 150 से 200 रुपये खर्चे करने होंगे, लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तब तो आप बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से आप ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्वागत, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं किस तरीके से आप ई श्रम कार्ड के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल में आपको 155 तरह का काम मिल जाएगा, तो आपको काम से पहले आपको कोड मिल जाएगा, आप कोड डाल के भी जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या आप जो है पूरा नाम डाल के भी आप कौन सा काम जानते हैं और उसमें आपके लिए है या नहीं 155 तरह का लिस्ट है उसमें, तो वो नाम डाल के भी जो है आप बहुत ईजी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कैसे ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है ये सब देखने के लिए भैया आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से आप ई श्रम कार्ड के लिए आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से लैपटॉप से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आपको कोई ब्राउजर को ओपन करना है और इसमें आपको टाइपिंग कर देना है ई श्रम। यहाँ पर देखिए ishram.gov.in आ चुका है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए कि ई श्रम रोजगार का यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ गया है। यहाँ पर देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम। अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब तो आप CSC सेंटर पर जाके ये फॉर्म को फिलअप करेंगे जहाँ पर आपको जो है 200 से 250 रुपया आपको ले लेगा। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड या मोबाइल नंबर लिंक है तब तो आप यहां पर देख रहे हैं कि रजिस्टर ऑन ई श्रम, आप यहां से फ्री में इस पे जो है आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे तो यहां पर देखिए कि ये फॉर्म जो है ओपन होकर आ चुका है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है आधार लिंक मोबाइल नंबर, तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको मोबाइल नंबर यहां पर डालना है। कैप्चा जैसे है HTTP कैप्चा इसमें आपको डालना है। इसके बाद ये दोनों ऑप्शन है, यहां पर आपको नो वाले पर ही रहने देना है। इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। सेंड OTP पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पर OTP जाएगा। यहां पर देखिए मेरे केस में OTP आ गया है, मैं यहां पर OTP डाल देता हूं। तो आपके केस में जो भी OTP आए इस तरीके से आपको OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद ये सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है बताया आधार नंबर डालने के लिए, तो यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ सबमिट वाले पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर OTP जाएगा। OTP आपको यहाँ पर डाल देना है, जैसे मेरे केस में आ गया है, मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद यहाँ वैलिडेट वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए कि आपके सामने में यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस आ जाता है जो आधार कार्ड में लिंक है, वो तो वो सारा कुछ आपको इस साइड में शो कर देता है। यहाँ पर आपका पूरा नाम आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पूरा आपका एड्रेस आ जाता है, लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह पूरा आपको यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका योर प्रोफेशनल, आपका जो भी प्रोफेशनल है वो आपको यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर ऊपर में आपका पिक भी आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू
टू अदर डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो आपको जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर डाल देना। यहाँ पर देखिए आपको जो मोबाइल नंबर आ चुका है, इसको अगर आप दूसरा नंबर देना चाहते हैं तो अपना दूसरा नंबर आप इसमें डाल सकते हैं इमरजेंसी के लिए। इसको यहाँ पर अपना ईमेल आई डालना है। यहाँ पर आप जो है मैरिटल स्टेटस डालना है कि आप शादीशुदा है या नहीं है, अगर है तो यहाँ पर डालना है मैरिड, अगर नहीं है तो यहाँ पर नेवर मैरिड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपना जो फादर हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं, अगर फादर का नाम डालना है तो इस पर करेंगे, अगर आप हस्बैंड का नाम डालना है तो इस पर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सोशल कैटेगरी इसमें से चूज कर लेना है कि एस सी एस टी जो भी है आपको यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद जो भी ब्लड ग्रुप है, आपको जो भी ब्लड ग्रुप है आप इसमें से चूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें से आपको यहाँ पर नो वाला टिक रहना देना है। इसके बाद नॉमिनी डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद नॉमिनी का जो है डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर चूज करेंगे, इसके बाद उसके साथ क्या रिलेशन है आप इस रिलेशन इसमें से चूज करेंगे। पहले ये फिलअप कर लेंगे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूरा फिलअप करने के बाद यहाँ पर जो है आपका रिलेशन यहाँ पर आ चुका है, तो इसके साथ क्या रिलेशन है वो आप इसमें से चूज कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए कि आपको बोला जा रहा है कि आपको जो है सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट तो आप यहाँ पे चूज किए ओबीसी, तो अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे चूज वाला फाइल पे क्लिक करके जहाँ भी आपको सर्टिफिकेट हो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए टाइपिंग है पीडीएफ, पीएनजी, जेपीईजी, जेपीईजी और ओनली जो है मैक्सिमम साइज जो है 1 MB के बीच में होना चाहिए। तो आपका जो जो भी सर्टिफिकेट हो ओबीसी का या आपको जो भी एस सी एस टी जो भी हो जनरल का जो भी हो वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। चलिए हम यहाँ फटाफट से अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे सारा कुछ फिलअप करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए बोला जाएगा एड्रेस फिलअप करने के लिए, तो यहाँ पे आपका होम स्टेट जो कौन सा स्टेट है वो आप यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे करंट एड्रेस डालना है, जो भी आपका करंट आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे अपना हाउस नंबर, लोकेलिटी, यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे अपना पिन कोड डालना है। इसके बाद यहाँ पे करंट लोकेशन आपको इसमें से चूज कर लेना है कि आप कितने साल से इस पे रह रहे हैं, तो वह आपको यहाँ से चूज कर लेना है कि आप जो है इस एड्रेस पे कितने साल से रह रहे हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप माइग्रेंट वर्कर है, मतलब आप दूसरे जगह पर काम करते हैं, तो यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे कि आप दूसरे जगह पर है, क्यों काम करते हैं, कितना दिन से यहाँ पे काम करते हैं और कौन सा आप काम करते हैं वो आपको इसमें से चूज कर लेना है। अगर नहीं आप घर ही पे है तो यहाँ पे नो वाले पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस आपको सेम है तो टिक रखना है, अगर नहीं है तो यहाँ टिक हटा देना है। और यहाँ पे आपको जो है प्रेजेंट एड्रेस भी आपको यहाँ पे पूरा फिलअप कर देना है। यहाँ पे आपको करंट एड्रेस और यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस दोनों सेम ही है तो यहाँ टिक करेंगे और दोनों ये फिलअप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप कितने पढ़े लिखे हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको इसमें कैलेंडर में से चूज कर लेना है कि आप कौन सा पढ़ाई लिखाई किए हुए। यहाँ देखिए प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तो आप जो भी पढ़े लिखे हैं आपको इसमें से चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे है, मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको 1 MB से आपको कम में ही होना चाहिए, नहीं तो ये अपलोड नहीं होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका मंथली इनकम कितना है, तो आपको इसमें से चूज़ कर लेना है कि कितना है, तो जो भी हो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जिसमें देखिए मेरे किस में यहाँ पे है, मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए अपलोड हो चुका है। इसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन, मतलब आप काम क्या जानते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद एक्सपीरियंस कितना है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, मतलब आप दूसरा काम क्या जानते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है इसमें। इसके बाद यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि आपके पास कौन सा स्किल है, यहाँ पर आपका टेक्निकल है या आपको यहाँ पर टेक्निकल ट्रेनिंग है, जो भी है आपको इसमें से चूज कर लेना है। इस पर यहाँ बोला जा रहा है कि अपग्रेडिंग स्किल, आपको कौन सा अपग्रेडिंग स्किल है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पर देखिए आपको ट्रेनिंग और यहाँ पे टेक्निकल और यहाँ पे वोकेशनल, जो भी है आपको इसमें से टेक्निकल या वोकेशनल है आपको इसमें से चूज करके डाल देना है। आप यहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन को डाल भी सकते हैं या इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको कोड आ जाएगा, वो कोड आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोड आ रहा है, यहाँ ये ओपन होने के बाद यहाँ पे कोड आएगा, वो कोड भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स डालनी है, तो यहाँ पे देखिए आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। बैंक अकाउंट नंबर को दोबारा से कंफर्म कर देना है, अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, IFSC कोड डालना है, बैंक नेम डालना है और बैंक ब्रांच का जो नाम है ब्रांच का नाम यहाँ पे डाल के यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए कि आपका बोला जा रहा है कि यहाँ पे परव्यू सेल्फ डिक्लेरेशन जो भी आप दिए हुए हैं वो सारा कुछ आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इसको आपको क्या करना है, एक बार अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको चेक कर लेना है और सब कुछ सही है
तो यहाँ पे कंसर्न देंगे, सबमिट करेंगे। अगर आप कुछ गलत है तो यहाँ पे एक्सिट पे बैक जाके इसको आप सही करेंगे। इसको आप जो यहाँ से प्रिंट करके रख सकते हैं तो प्रिंट वाले पे क्लिक कीजिएगा और इसको जो है आप प्रिंट करके रख सकते हैं। तो आप जहाँ भी रखना चाहते हैं उसको जो है अपना डेस्कटॉप पे या कोई फाइल में, तो यहाँ से आप उसको प्रिंट करके रख सकते हैं। यहाँ प्रिंट वाले पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर अपना कोई भी चूज कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर डेस्कटॉप चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर आप कुछ भी नाम टाइपिंग कर सकते हैं। यहाँ सेव करके इसको आप जो है एड्रेस प्रूफ के तौर पे इसको आप रख सकते हैं। इसके बाद सब कुछ सही है तो इसको चेक कर लेना है एक बार, और सब कुछ सही है सिंपली यहाँ पर आएंगे नीचे और यहाँ पर कंसेंट देंगे। जैसे ही सबमिट करते हैं तो यहाँ पर UAN कार्ड यहाँ पर आपका जनरेट हो जाता है। यहाँ पर देखिए कि आपका यहाँ पर नाम आ जाता है, यहाँ पर पति का नाम आ जाता है, यहाँ पर जन्मतिथि आ जाता है, यहाँ पर लिंक आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जैसे आपके आधार कार्ड पे 12 डिजिट का नंबर होता है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आपका जो है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यहाँ पे 12 डिजिट का आ चुका है। यहाँ पे आपका देखिए QR कोड भी यहाँ पे आपका जनरेट हो चुका है, यहाँ पे पूरा आपका एड्रेस आ जाता है। ये जो है आप यहाँ से डाउनलोड UAN कार्ड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करके निकाल के आप रख सकते हैं। और जब भी आपको ये मांगा जाएगा आपको सरकारी डिपार्टमेंट में, अगर आपको कुछ सहायता मिलता है तो यही आपके जो है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये जो आपका 12 डिजिट का नंबर है, ये देख के आपको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि मिलेगा या कोई भी राशि मिलने वाला होगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो गाइस, आपने इस वीडियो में ये तो सीख ही लिया होगा कि किस तरीके से ई श्रम कार्ड के लिए आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से आप किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब तो भैया आपको CSE सेंटर जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तब तो आप बहुत ही इजी तरीके से, जैसे मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ वो वीडियो देख के आप बहुत ही इजी तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना सीख ही गए होंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।